अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज है हमारा इस्लामियात का लेक्चर नंबर 6। मैं हूं आपकी टीचर, टीचर सना काशिप। आए इस्लामियात का लेसन शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक शुरू हुआ था बंदों के हकूक, ठीक है। हमने आज सफ़ा नंबर 21 से रीडिंग शुरू करनी है। हेडिंग है औलाद के हकूक। औलाद का हक ये है कि उनके अच्छे नाम रखे जाएं, ठीक है। औलाद का हक ये है कि उनके अच्छे नाम रखे जाएं, उनकी तालीम और तरबियत का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, यानी उन्हें अच्छी स्टडीज़ और अच्छा उनको जो है वो रहन सहन सिखाना, उनको उठने बैठने का तरीका, उनको खाने पीने का और किसी से मिलने का, बात करने का, ये सब किस में आता है? तरबियत में। उनकी उनको अच्छा इखलाक सिखाना, इस सब का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, उन पर शफकत की जाए, उनसे प्यार से पेश आया जाए, किसी बच्चे को दूसरे बच्चों पर तरजीह ना दी जाए। यतीमों के हकूक। यतीम कौन होते हैं? जिनके माँ बाप नहीं होते, ठीक है। यतीमों का हक ये है कि उनके साथ शफकत और हमदर्दी से पेश आया जाए, ताकि उन्हें अपने वालदैन की गैर मौजूदगी यानी उनके ना होने का एहसास ना हो, यानी कि वालदैन के मौजूद ना होने का एहसास ना हो। उनके माल की हिफाजत की जाए जब वो बालिग हो जाएं। बालिग किसको कहते हैं? जवान। जो मीनिंग मैंने लिखे हुए हैं आप भी हाईलाइट करके ये मीनिंग अपनी बुक्स पे लिखेंगे। बालिग, जवान, जब वो बालिग हो जाए तो उनके माल उनके स्पुर्द कर दिया जाए। स्पुर्द करना, हवाले करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सबसे अच्छा घर वो है जिसमें कोई यतीम बच्चा परवरिश पाए। परवरिश पाना है बड़े होना, ठीक है, ग्रो अप करना। दोस्तों के हकूक। अब हम माशरे में रहते हैं तो हमारे दोस्त भी होते हैं, तो उनके भी कुछ हकूक हैं। दोस्तों का हक ये है कि उनके साथ इखलास से पेश आया जाए। इखलास, मुखलिस होना, सिंसियर होना। अच्छे काम में उनकी मदद की जाए और बुरे काम से उन्हें रोका जाए। यहाँ पे आज की डेट लगाएं। आज की रीडिंग बस यहीं तक। हम आज देखेंगे सवाल नंबर अपना 4, औलाद के हकूक क्या हैं, ठीक है। औलाद के हकूक़ के बारे में हमने रीडिंग पढ़ी है ना। औलाद का पहला हक ये है कि उनके अच्छे नाम रखे जाएं, फिर इनकी तालीम और तरबियत का मुनासिब इंतज़ाम किया जाए, इन पर शफकत की जाए और किसी बच्चे को दूसरे बच्चों पर तरजीह ना दी जाए। यहाँ आपने आज की तारीख लिखनी है। आज का लेक्चर यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।